हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें वोइंग और स्कीविंग क्या होती है, और ये जो वोइंग और स्कीविंग होती है तो इसको आने के क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ में। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है टेस्टिंग ऑफ वोइंग और स्कीविंग इन द फैब्रिक। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले वोइंग होती क्या है। द वोइंग इज ए फैब्रिक डिफेक्ट। दोस्तों, वोइंग क्या होता है, कपड़े का एक फैब्रिक डिफेक्ट होता है। व्हेन द वेफ्ट यार्न इन द फैब्रिक गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए लाइन परपेंडिकुलर टू द फैब्रिक सेल्वेज। दोस्तों, क्या होता है कि जो आपका जो वेफ्ट का यार्न होता है, जब आपके कपड़े पे एक बार के ऊपर या सेल्वेज के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन से डिस्प्लेस हो जाता है या हट जाता है या वेफ्ट का रूट होता है वो बदल जाता है, एंड दिस वेफ्ट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स वन और मोर आर्क्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, अब ये जो आपका धागा वेफ्ट का डिस्प्लेस हुआ है वो क्या होता है, आपके कपड़े के ऊपर आर्क बनाने लगता है। दोस्तों, वो आर्क एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वोइंग इफेक्ट या स्कीविंग। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर द डिफरेंट काइंड ऑफ वोइंग डिफेक्ट इन द फैब्रिक मे बी अपीयर्ड देयर। दोस्तों, आपके कपड़े में जो वोइंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आ सकती है। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोइंग डिफेक्ट इन बिलो फिगर। हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया हुआ है। दोस्तों, ये देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वोइंग किस तरीके से कपड़े में आती है और ये कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिखाए हुए हमने आपको हुक्ड वोइंग। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आपका जो ये है आपकी लेंथ कपड़े की और यह है आपकी कपड़े की विड्थ। अब यहाँ पे ये जो वेब का धागा चल रहा है, इसको कैसा चलना चाहिए था, बिल्कुल लेंथ के परपेंडिकुलर चलना चाहिए था, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर चलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो आपका धागा था ये इस तरीके से चलने लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्क बनाने लग गया ये। तो जब इसने आर्क बनाई तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वोइंग, और ये जो यहाँ पे सिंगल आर्क बन रहा है तो इसको बोलते हैं हुक्ड बो। तो दोस्तों, अब दूसरे तरीके का जो बोइंग आपके कपड़े में आ सकती है वो होती है आपकी डबल रिवर्स बो। दोस्तों, क्या है, यहाँ पे देखिए, ये लेंथ है आपकी, ये आपके कपड़े की विड्थ है, और ये जो डार्क कलर में चल रहा है ये क्या है, आपका वेफ्ट का धागा है। तो क्या हुआ कि पहले तो धागा आपका कुछ दूर के लिए ऊपर की तरफ यूं गया, फिर आपकी वेस्ट लाइन से फिर ये नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डबल रिवर्स बो। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये है आपका डबल हुक्ड बो। दोस्तों, इसमें क्या हुआ, एक सेल्वेज पे क्या हुआ कि धागा ये ऊपर की तरफ गया था और फिर ये चलता हुआ आया और यह दूसरे सेल्वेज पर नीचे की तरफ आ गया, तो इसको बोलते हैं डबल हुक्ड बो। दोस्तों, और देखिए किस प्रकार की होती है, यहाँ पर देखिए आपको ये डबल बो है। डबल बो में क्या हो रहा है, ये वेफ्ट का धागा यहाँ से ऊपर आर्क बनाया इसने, फिर बेस लाइन पे आया, फिर ये ऊपर आर्क बनाना चालू किया, फिर बेस लाइन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं डबल बो। दोस्तों, अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे ये चल रहा है आपका, ये देखिए सीधा चल रहा है आपका, ये बेस लाइन है, ये आपकी लेंथ है, बट आपका वेफ्ट का क्या हुआ, ये इस तरीके से चला और यहाँ आर्क बनाते हुए लास्ट वाले सेल्वेज पे दूसरे वाले पे आ गया, तो इसको बोलते हैं बो। वो का मतलब होता है धनुष रूप में बन जाता है आपका वेफ्ट का शेप। तो दोस्तों, ज़्यादातर आपके कपड़े में क्या होता है, यही वाली जो बोइंग होती है यही वाली आती है, वो के रूप में प्रकट होती है, मतलब दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक दूसरे ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा हुआ है। आप देखिए, ये ब्लैक कलर में क्या चल रहा है, ये बाल के धागे चल रहे हैं सारे, और ये जो रेड कलर में ये वेफ्ट के धागे चल रहे हैं। दोस्तों, अब हुआ क्या इसमें कि ये जो धागा था इसको बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए था, बिल्कुल सीधा चलना चाहिए था, बट क्या हुआ, ये धागा है आपका, ये यहाँ पे इसने
कल्प बनाया, अर्घ बनाया, इस तरीके से अर्घ बना दिया, पूरे कपड़े में अर्घ बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा कि ये जो कपड़ा है इसके अंदर वो बन जा रहा। तो दोस्तों ये बहुत सीरियस इफेक्ट होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है आपको इसकी विंग। इसकी विंग क्या होती है देखिए दोस्तों, इसकी विंग इन द फैब्रिक इज ए डिफेक्ट। दोस्तों ये कपड़े का एक डिफेक्ट होता, इट रिजल्ट्स इन द फैब्रिक व्हेन द वेफ्ट यार्न गेट एंगुलरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एज और साइड ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वेफ्ट का धागा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं सही से, ये वेफ्ट का धागा है, रेड वाला वार्प का धागा है। यहाँ पे तो ये देखिए बिल्कुल सीधा चला हुआ है दोस्तों। इसके बाद किया हुआ धीरे 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 करके इसके जो धागा है इसका एंगल बदलता गया। ये एंगल बदल के यहाँ पे देखो कितना ये तिरछा हो गया है। तो इसको बोलते हैं हम स्कीविंग। अब यहाँ पे देखिए, द बोइंग एंड स्कीविंग बोथ क्रिएट वेरी सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्प्रेडिंग एंड कटिंग ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों ये जो आपकी बोइंग होती है या स्कीविंग होती है, ये आपको जब गारमेंटिंग कर रहे होते हो, मतलब कपड़े की कटिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द कटिंग प्रॉब्लम गेट्स मच सीरियस व्हेन द फैब्रिक कटिंग इज डन इन लेयर फॉर्म। दोस्तों ये जो बोइंग का इफेक्ट होता है, इससे एक प्रॉब्लम और होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री में जो कटिंग होती है वो लेयर फॉर्म में होती है, कि हम जितने भी लेयर बनाने होते हैं कपड़े के, हम बनाते जाते हैं, उसके बाद में उसको कटिंग मशीन से हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके कपड़े में बोइंग और स्कीविंग होती है, तो वहाँ पर लेयर बनाना में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। द बोइंग इन द चेक फैब्रिक इज नॉट ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड इन गारमेंट मैनुफैक्चरिंग। दोस्तों अब एक बात और, यदि आप जो कपड़ा कटिंग कर रहे हैं वो चेक फैब्रिक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो आपके वेफ्ट के जो स्ट्राइप हैं उसके अंदर क्या होगा, वो घूम जाएंगे, मतलब उनमें आर्क बन जाएंगे, तो कहीं पर वेफ्ट की स्ट्राइप कट हो जाएगी, तो सही तरीके से पैटर्न में नहीं आएगी, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। द डिस्टॉर्शन ऑफ सीम और फैब्रिक पैटर्न रिजल्टिंग ड्यू टू बोइंग और स्कीविंग क्रिएट इन द गारमेंट। दोस्तों क्या होता है कि ये जो आपका स्कीविंग और बोइंग होती है, तो इससे जो आपके जो सीम होते हैं, मतलब जहाँ पे सिलाई होती है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यदि हम किसी कपड़े की पैटर्न में कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी बोइंग और स्कीविंग सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है गारमेंट बनाने में। दिस डिफेक्ट लुक्स वेरी ऑड इन द फैब्रिक। ये जो आपका स्कीविंग और बोइंग का डिफेक्ट होता है, आपके कपड़े में बहुत गलत इम्प्रेशन देता है। अब दोस्तों यदि हम बोइंग और स्कीविंग को मेजर करना चाहें, मतलब टेस्ट करना चाहें कि हमारे कपड़े में कितनी बोइंग है, तो उसका मैं प्रोसीजर नीचे बता रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है एपरेटस यूज। दोस्तों हम कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं, दोस्तों पहला होता है मेजरिंग स्टिक और स्टील टेप, दूसरा होता है रिजिड स्ट्रेट एज, तीसरा होता है फैब्रिक इंस्पेक्शन टेबल, और चौथा होता है सीजर। अब दोस्तों नीचे देखिए टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों इंटायर रोल ऑफ द फैब्रिक इज टेकन आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट 1 मीटर लेंथ। दोस्तों हम पूरा रोल लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो शुरू का 1 मीटर का कपड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं। 3 टेस्ट एरिया फॉर टेस्ट स्पेसिमेन आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच फैब्रिक रोल। दोस्तों प्रत्येक रोल से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल से और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से हम एक रोल से 3 स्पेसिमेन लेते हैं। दोस्तों इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले कदम में क्या करते हैं, फैब्रिक इज लेड ऑन द फैब्रिक इंस्पेक्शन टेबल। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा फैब्रिक होता है उसको टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, मतलब बिछा देते हैं। द एक्चुअल पाथ ऑफ द वेफ्ट यार्न अक्रॉस द फुल विड्थ इज ट्रेस्ड। दोस्तों अब जो हमारे वेफ्ट यार्न का पाथ है, मतलब वो उसकी जो जर्नी है उसको हम बिल्कुल करेक्टली ट्रेस करते हैं। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यार्न पाथ एंड परपेंडिकुलर पाथ इज मेजर्ड। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि जो वेफ्ट यार्न का जो पाथ है और जो हमारा परपेंडिकुलर पाथ होना चाहिए था, उसके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है। इफ़ देयर आर मोर देन 1 बो इन द फैब्रिक ऑल द
इंस्टेंस आर मेजर्ड। दोस्तों अब यदि आपके कपड़े में एक से अधिक बो बन रहे हैं तो जितने भी आपके कपड़े में बो बन रहे होते हैं सभी के अंदर जो वो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर लाइन से और एक्चुअल वेफ्ट यान पाथ के बीच की, उसको हम मेजर करते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पाथ डेविएशन इज कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा डेविएशन आ रहा होता है वेफ्ट के धागे में और परपेंडिकुलर लाइन में, उसी को हम कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बोइंग और स्कीविंग। अब नीचे हम आपको जो बोइंग होती है या स्कीविंग होती है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसकी हम कैलकुलेशन आपको नीचे दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बोइंग परसेंटेज इज इक्वल टू डी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। दोस्तों जो बोइंग परसेंट होती है वो होती है डी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। तो उसके अंदर ये डी क्या है और डब्ल्यू क्या है मैंने नीचे लिख के दिखाया हुआ है। डी इज द मैक्सिमम बो इन द फैब्रिक इन इंचेज। दोस्तों जो डी होती है वो मैक्सिमम बो साइज होता है, मतलब जो आपके वेफ्ट का पाथ है और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस मैक्सिमम वाली है वो होती है डी। और डब्ल्यू क्या होती है, फैब्रिक विड्थ होती है, वो इंचेज में होती है। और ये डी होती है वो भी आपकी इंचेज में होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों स्कीविंग परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। तो उसमें क्या होता है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड परपेंडिकुलर पाथ ऑफ द वेफ्ट यार्न इन इंचेज। तो दोस्तों ये जो डी होती है वो आपका वेफ्ट का एक्चुअल पाथ और परपेंडिकुलर पाथ के बीच में इंचेज में डिफरेंस होता है, और डब्ल्यू होती है फैब्रिक विड्थ इन इंचेज होती है। तो दोस्तों जब आपको सारे डेटा मेजरिंग करके मिल जाते हैं तो आप इसके अंदर ये जो फॉर्मूले हैं इनके अंदर आप वैल्यू रख देंगे और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो बोइंग है वो भी परसेंटेज में आ जाती है, और यदि आपके कपड़े में स्कीविंग है वो भी परसेंटेज में आ जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बोइंग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को समझाया है और इसकी कैसे टेस्टिंग होती है, बोइंग की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, स्कीविंग की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, और यदि आपके कपड़े में कहीं पर बोइंग डिफेक्ट है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, स्कीविंग के क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है गारमेंट के अंदर। तो दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।